नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपको स्वागत करता हूँ इंडियाज़ फार्मिंग चैनल में। दोस्तों आज मैं आया हूँ एक मैंगो फार्म में। तो ये मैंगो फार्म अराउंड 60 एकर्स में है। तो चलिए आज हम लोग मैंगो फार्मिंग के ऊपर जानते हैं। तो चलिए हम लोग अभी फार्मर भाई से मिलते हैं। सर आपका एक छोटा सा परिचय हमारा सामने से जो भी किसान भाई देते हैं वो दे दीजिए। ओके नमस्ते, वेंकटरावण ना पेर बोलिए। सर आपका ये एड्रेस बताएंगे एक बार कि ये कहाँ? वो जहीराबाद बोल के है, वो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट पे, तेलंगाना स्टेट पे है। वो गोविंदपुर बोल के जहीराबाद को 6 किलोमीटर है। इसमें वो पूरा लाल जमीन है। उसका ऊपर मैंगो बहुत अच्छा आता, इसका पानी भी बहुत कम ज़रूरत पड़ता। बारिश आजकल बारिश बहुत कम है इधर, इसलिए मैं मैंगो का डिसाइड करके मैंगो कल्टीवेशन कर रहा। सर इसमें मतलब ये काफ़ी बड़ा ज़मीन है, इसमें बाकी भी फसल आप लोग कर सकते थे लेकिन आपने मैंगो ही क्यों चूज किया, क्या रीज़न है इसके पीछे? वो बारिश का सीज़न में दूसरा फसल लगा रहा, वो इसको इंटरक्रॉप जैसा मैं मिलेट्स कल्टिवेट कर रहा। वो समर में पानी बहुत कम वजह से वो मैंगो ओनली। अच्छा इधर पानी का कमी है इसकी वजह से आपने मैंगो का ही चूज किया? मैंगो का ही, उसके मैंगो का ड्रिप का हिसाब से नीर उसको सप्लाई करता। ओके ओके, आपने जो ये लगाया ना ये हाई डेंसिटी है या अल्ट्रा हाई डेंसिटी आपका? वो हाई डेंसिटी है, 5 मीटर बाय 5 मीटर है, अदरवाइज 15 फीट बाय 15 फीट है। ओके उसको वो एक एकर को 200 प्लांट्स लगता। ओके कम से कम 3 साल में यील्डिंग में आ जाता। ओके ओके, तो फिर अगर मैंगो फार्मिंग कोई अगर फार्मर करना चाहता है तो पहले सॉइल प्रिपरेशन वो कैसे करेगा, कैसे करना चाहिए, कौन से महीने में चालू करना चाहिए उसको? वो डीप प्लाउ करके जो कुछ लैंड होता उसको पहले लैंड टेस्टिंग में लेके जाना पड़ता। लेके जाने के बाद उसका 5 से लेके 7 तक पीएच का रिपोर्ट आना चाहिए। वो आने के बाद वो मैंगो को सूटेबल लैंड बोल के समझ के उसको जब डीप फ्लो करके दो बार तीन बार डीप फ्लो करके बाद में वो मार्किंग करना पड़ता। मार्किंग का लगा के जेसीपी से एक गड़ा खुद के वो उसमें गोबरी वो पूरा डाल के गड़ा क्लोज करके फिर प्लांटेशन करना पड़ता। ओके जब भी आप ये होल बनाते हैं या खड्डा बनाते हैं तो ये साइज क्या रहता है नॉर्मली, कितना बाई कितना रहना चाहिए? 3 बाई 3 रहना चाहिए। और डेप्थ कितना रहना चाहिए? डेप्थ 3 फीट उसका बकेट रहता, जेसीपी का बकेट। ओके वो पूरा बकेट अंदर जाना पड़ता। ओके वो पूरा अंदर गया तो 3 बाई 3 आ जाता। ओके तो जब भी खड्डा खोदते हैं तो उसको कितना दिन के लिए छोड़ देते हैं, सोलर रेडिएशन की वजह जो भी कीड़े वगैरह रहेंगे मरने के लिए, कितना दिन के लिए छोड़ते हैं आप उसको? गड्ढा उसका बारिश का पहले समर में वो ऐसा करके उसमें थोड़ा गोबर डाल के वो मट्टी थोड़ा दिन ऐसा छोड़ के बाद में क्लोज करके बारिश चालू होता। चालू होने के बाद फिर एक दो बारिश होने के बाद प्लांटिंग लगाना शुरू करना पड़ता। अराउंड कितना दिन के लिए छोड़ते हैं? अराउंड 15 दिन, 1 महीना? हाँ 1 महीना 2 महीना छोड़े तो बस है। ओके तो उसके बाद आपका क्या रहता है, प्रोसेस रहता है? उसके बाद थोड़ा गोबरी डाल के मिक्स करके वो क्लोज करके। ओके क्लोज होने के बाद बारिश गिरना पड़ता। ओके बारिश गिरे तो वो पानी पी के वो पूरा थोड़ा सेटराइट हो जाता। ओके बाद में फिर मार्किंग करके प्लांटेशन लगाना पड़ता। ओके तो उसके लिए मतलब जैसे आपने बोला कि आपने पहले खड्डा बना दिया, देन गोबर का गोबर डाल के आपने अराउंड 1 मंथ तक छोड़ दिया, उसके बाद आपका जो भी प्लांट लगाते हैं वो टाइम पे आपने क्या क्या कुछ फंगीसाइड वगैरह कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कुछ करते हैं? वो करना पड़ता, वो उधर नर्सरी से वो प्लांट लेके आने के बाद वो काट करने के बाद उसका फंगीसाइड्स उसका ट्रीटमेंट लगता, उसको जो कुछ उसको जरूरत पड़ता उसका पानी और स्प्रेइंग। ओके स्प्रेइंग करके गड्ढा पूरा वाटरिश होने के बाद उसका अंदर लगाना पड़ता, नहीं तो एक दो दिन पहले
पूरा नर्सरी में ऐसा करके भी कर सकता। ओके बाद में 10G और 3G గుళిగులు అంటారు తెలుగులో అంటే ఓ దాల్కే దాలేతో జో కుచ్ కీడా గీడా హై ఉస్కో జో కుచ్ మతలబ్ వో ఫంగిసైడ్ హై జో కి మతలబ్ జితనా భీ ఫంగస్ రహేగా ఉస్కో మారనే కే లియే ఆప్ వో యూజ్ కర్ జైసే హమ్ లోగ్ బాత్ కర్ రహే థే ఖడ్డా బనానే కే బాద్ హమ్ లోగ్ నే ప్లాంట్ లగా దియా లగానే కే బాద్ హమ్కో పర్ డే కితనా లీటర్ వాటర్ దేనా చాహియే ఇధర్ ప్లాంట్ లగానే కే టైమ్ పే వో బారిష్ కా సీజన్ మే లగానా వో పహలీ బాత్ హై బాద్ మే वो ड्रिप का पाइपलाइन वो पूरा कंप्लीट करके ड्रिप का सेटअप करना। वो ड्रिप पर आवर 6 लीटर का ड्रिप रहा था, पर आवर 6 लीटर वाटर छोड़ने का ड्रिप रहा था। वो ड्रिप लगाना डेली 2-3 आवर्स ऑन करे तो बस है। ओके तो पर डे 6 लीटर पानी देना पड़ेगा, पर आवर 6 लीटर ड्रिप रहा था। ओके वो जो कुछ पाइपलाइन में पानी जाता वो ड्रिप का अंदर से 6 लीटर पानी गिरता पर आवर। ओके तो पर डे अगर हिसाब करेंगे तो कितना पानी पर डे नहीं है वो चार पाँच आवर्स छोड़ता पहले, बाद में 2-3 आवर्स छोड़े तो भी डेली बस है। ओके नहीं तो थोड़ा गिड़ा ट्री सेट होने के बाद 2-3-4 दिन का भी छोड़ सकता। ओके एक बार आपने दे दिया तो फिर 3-4 दिन गैप में आपको पानी दे सकते हैं। तो पर डे पर आवर्स 6 लीटर आपने बोला, 6 लीटर पर आवर 6 लीटर का। और पर डे कितना आवर्स? पर डे 4 आवर्स 3 आवर्स ऐसा छोड़ना पड़ता। ओके उसको ड्रिप बोलता। वो ड्रिप का अंदर एक ऐसा जाली रहता। ओके वो जाली में होल रहता। वो होल से हिसाब से वो पानी गिरता। ओके ओके ये नॉर्मली हमारा कितना पर लीटर ड्रॉप होगा पानी वो सेट करके मार्केट में मिलता है, रेडीली अवेलेबल रहता है, रेडी वो हिसाब से हमको उसको बोलता ऑनलाइन ड्रिप बोलता। ओके तो 10 लीटर से इनफ है पर डे अगर हम लोग बात करें तो? 10-2 आवर्स बोले तो 12 लीटर का पानी गिरता। वो जमीन का हिसाब से मट्टी का हिसाब से उसका आवर्स मेंटेन करना अलग अलग रहता है। ओके तो अगर हम लोग प्लांटेशन की बात करें तो कौन सी महीने में हमको लगाना चाहिए ये प्लांटेशन का? अगस्त में, अगस्त सितंबर में लगाए तो बहुत अच्छा है, अच्छा रहता है। ओके तो ये वैरायटी कौन सा है, ये मैंगो का बताएंगे एक बार? वो बेनिशान वैरायटी है वो। हाँ आपने कितना वैरायटी का लगाया इधर? इधर 4-5 वैरायटी है, बेनिशान है, दशहरी है, इमाम पसंद है, ओके केसरी है। हाँ हाँ ऐसा 4-5। तो ज़्यादा कौन सा वैरायटी आपके पास? बेनिशान ज़्यादा, बेनिशान ज़्यादा है। कुछ रीज़न है ये? उसको बैंगन पल्ली बोलता है तेलुगु में। ओके बैंगन पल्ली, बैंगन पल्ली वो इधर लोकल का बेनिशान बोलता, बेनिशान बोलते हैं। हाँ बेनिशान वैरायटी बहुत अच्छा है, बहुत काटने का मैंगो है। ओके जूस वैरायटी नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ है कि ये मतलब एटमोसफियर के लिए बेनिशान काफ़ी अच्छा है? हाँ काफ़ी अच्छा है वो, मार्केट में बहुत जाता है, बहुत बेचने का वैरायटी है, बहुत दिन रुकता है। ओके खराब नहीं होता। ओके वो कटिंग कट करके वो खा सकते। ओके ये आपका कितना साल का प्लांट है अभी? अभी 3 साल कंप्लीट हुआ। 3 साल कंप्लीट हो गया, वो 4वां साल चल रहा। ओके तो सामने से हमारा जो भी किसान भाई देख रहे हैं उनको थोड़ा मतलब इसका फूड के बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या क्या मतलब जैविक खाद देते हैं या कुछ केमिकल खाद देते हैं कि कैसे करते हैं, आपका फूड मैनेजमेंट कैसा रहता है प्लांट का? उसका इतना ज़रूरत केमिकल्स ज़रूरत नहीं पड़ता। ओके गोबरी डाले तो बहुत अच्छा है, सफिशेंट पानी दिए तो बहुत अच्छा है। ओके उसका ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक फूल आता ना, फूल आने के टाइम पे एक फूल आने का दवा रहता, फ्लावर आने के टाइम पे, फ्लावर आने के टाइम पे फ्लावर का दवा रहता, वो दवा वो फ्लावर पे ऊपर कुछ इंसेक्ट आए तो उसका कंट्रोल करने का दवा, वो दोनों का अलावा कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ता। ओके आपने जैसे बोला कि गोबर का खाद बोला, तो गोबर का खाद आप कितना कितना दिन में देते हैं और कितना क्वांटिटी में देते हैं आप? वो बारिश का सीजन का पहले एक बार आके करके इंटर कल्टीवेशन करे तो, बारिश का सीजन बोलेंगे तो हम लोग जून जुलाई में, जून जुलाई में डाल के
मिक्सिंग करके सॉइल के साथ मिक्सिंग करके हम लोग छोड़ देंगे। छोड़ देंगे कितना किलो पर प्लांट? पर प्लांट एक गंपा, गंपा मीन्स 10 से 15 किलो, 10 नहीं है 5 किलो, 5 किलो है। ओके, 5 किलो को अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स करके सराउंडिंग एरिया पे देंगे और पानी सफिशिएंट हम लोग छोड़ देंगे। पूरा सराउंडिंग एरिया में दिए तो बारिश में बारिश आता ना, ओके तो ऐसा वो हो जाए। ओके, तो ये 4 साल हो गया तो मेरे हिसाब से अभी फ्रूट आ गया होगा लगता है। वो साल छोड़ सकता फ्रूट्स, ओके छोड़ सकता, मगर वो साल भी छोड़ के नेक्स्ट ईयर से कंटिन्यू करे तो भी अच्छा है। ओके, तो अभी तक आपका फ्रूट्स आया है? अभी आता, मैं कट कर दिया। अच्छा, फ्लावर को आपने कट कर दिया? कट कर दिया। अच्छा, मतलब अगर पहली साल में ही अगर आपने फ्रूट्स ले लेगा तो कहीं ना कहीं मतलब प्लांट की जो हाइट है, हाइट है या ग्रोथ है, बेंड हो जाता। ओके, बेंड हो जाएगा, देन कॉम्प्रोमाइज होगा कहीं ना कहीं, शेप शेप आउट हो जाता, इसलिए फ्रूट्स नहीं देता। जब स्टम बड़ा होता ना, जब ऑटोमेटिक फ्रूट्स छोड़ सकता। ओके, स्टार्टिंग में हम लोग जैसे बात किया अराउंड 6 से 12 लीटर तक हम लोग को पानी देना चाहिए और 4 to 5 डे गैप में भी हम लोग छोड़ के अगेन पानी देना पड़ेगा। अभी आपका ये प्लांट है ना 4 साल हो गया, जैसे वो प्लांट हम लोग ने देखा अराउंड 2 इयर्स का है, 2 इयर्स का है। तो इसका और उसका बीच में पानी का जो आप डिफरेंस देते हैं ना, कितना कितना है? इसको अभी कितना लीटर देते हैं, उसको कितना लीटर ऐसा कितना? वो इतना डिफरेंस कुछ भी नहीं रहता, 4 दिन का एक बार उसका टर्म आता, 4 दिन का एक बार पानी। तो अभी भी आप 10 से 12 लीटर? जब पानी छोड़ता, जब 4 to 6 आवर्स पीरियड में पानी देता, फिर नेक्स्ट वीक 4-5 दिन का बाद वही 12 लीटर, वही 12 लीटर ऐसा। ओके, इतना कम पानी पे भी चलता। हाँ हाँ, उसको इतना बस है। एक बार 3-4 साल हो गया, पानी भी जरूरत नहीं है। ओके, ऑटोमेटिक वो खींचेगा, ऑटोमेटिक वो खींचेगा। हाँ, जब 1 वीक 10 डेज में भी पानी दिए तो भी बहुत अच्छा। ओके, तो थोड़ा बताएंगे कौन सा प्लांट, कौन सा वेराइटी आपने अलग अलग बताया ना, तो थोड़ा वो बेनिशान बोलता। हाँ, बेनिशान है। हाँ, बेनिशान। उसको कैसे पहचाने के कुछ आइडिया? उसका अलग अलग आता। हाँ, ट्री एक साथ नहीं आता। हाँ, बहुत 3-4 स्टेम्स आता नीचे से। बेनिशान है, वो भी बेनिशान है, ये भी बेनिशान है। राउंड शेप आता दशहरी। मैंगो में टेस्ट कौन सा सबसे अच्छा है? आप कोई बात किया दशहरी, वो जूस प्लांट, जूस का जूस बनाने के लिए, जूस वैरायटी है। हाँ, जूस वैरायटी बोले तो जूस करने का कुछ भी नहीं है। हाँ, ज्यादा जूस रहता है उसमें। हाँ, जूस का कट करने का नहीं, कट को नहीं। ओके, कटिंग नहीं होता है, ओनली जूस उसमें बनता है। जूस का वो हमारा रसम बोलता। ओके ओके, रसम बोलता, वो कट करने का वैरायटी है। काफ़ी ग्रोथ है प्लांट, ये कौन सा है? वो भी बेनिशान है। बेनिशान है? हाँ, बेनिशान। बेनिशान का ऐसा ज़्यादा स्टेम आता। हाँ हाँ, ऐसा फ्रीली हो जाता उसका वो ही पाता। ओके, राउंड शेप आता। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कौन सी प्लांट में ज़्यादा आता है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन बेनिशान में ज़्यादा आता है। कितना किलो तक आता है अराउंड? मैं इतना करेक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि फ्रूट नहीं आया अभी तक इसके लिए। फ्रूट नहीं आया। हाँ हाँ, फिर भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि मतलब बेनिशान में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ओके ओके, अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो 3 या 4 ईयर्स के बाद पर प्लांट कितना प्रोडक्शन होता है? तीसरा साल कंप्लीट होने के बाद पर ट्री 5 kg पर ट्री आता एवरेज। नेक्स्ट ईयर 10 kg पर ट्री आता। उसका नेक्स्ट ईयर 6th साल 20 kg पर ट्री आ सकता। ओके, ऐसा बढ़ता जाता। ओके, बाद में ट्रीस बढ़ने के बाद क्लोज हो जाता है, एक ट्री क्लोज हो जाता जब प्रूनिंग करना पड़ता। प्रूनिंग करना पड़ता है। तो जैसे ओके, कैसे कैसे प्रूनिंग करते हैं आप, उसको कैसे मेंटेन करते हैं? प्रूनिंग करके ऐसा निकाले तो उसको साइड ब्रांचेस आता है। ओके, ऐसा प्रूनिंग जैसा करता जैसा यील्डिंग भी अच्छा बढ़ता। तो कौन से महीने में करना चाहिए प्रूनिंग? प्रूनिंग आफ्टर गेटिंग द यील्डिंग, नेक्स्ट बारिश आने के पहले।
बारिश आने से पहले हमको प्रूनिंग करना चाहिए। जब जून का जून में खत्म हो जाता जब भी प्रूनिंग करके रखे तो बहुत अच्छा। ओके, तो ये साइज जो आपने बोला ना कुछ प्लांट का साइज पर्टिकुलर साइज के बाद आपको काटना पड़ता है, तो एग्जैक्टली बताएंगे कि कितना साइज होने के बाद डिस्टेंस प्लांट को टच होता। ओके, टच होने से पहले ही हमको काट के रखना पड़ता, काट के रहना पड़ता है। जब भी प्लांट वो सेम साइज मेंटेन करना पड़ता। ओके, सेम डिस्टेंस हमारा 15 फीट बाई 15 फीट है। ओके, वो प्लांट थोड़ा बढ़ने के बाद 6 साल तक कटिंग नहीं होना, 6 साल से कटिंग करना पड़ता। शेप के हिसाब से जो कुछ नीचे गिर रहा वो जब कट करके वो शेप का मेंटेन करना पड़ता। ओके ओके, मैं देख रहा हूँ इसमें आपने इंटरक्रॉपिंग भी किया है, तो ये कौन सा प्लांट है बताएंगे? वो मलबरी का प्लांट है, उसका सिल्क वार्म्स। ओके, सिल्क वार्म्स होता है जिसमें हमारा सिल्क का क्लॉथ बनता है, राइट ना? ओके, तो वो इंटरक्रॉप लगाया, 15 का 15 प्लांट है, बीच में 2 साल दो लाइन वो मलबरी का लगाया, जब तक 4-5 साल तक मैं वो यील्डिंग भी निकाल सकता। ओके, ये पर ईयर हो जाता है आपका प्रोडक्शन? नहीं, पर मंथ हमारे को प्रोडक्शन आता। जैसे आपने ये लगा दिया तो उसका जो इंसेक्ट्स है ना, कीड़े बोलते हैं, वो कभी होता है एक्चुअली? वो कीड़े लेके आके वो काट करके उसको डालना पड़ता। ओके, डालना पड़ता पर मंथ हमारे को कीड़े, 1 महीने का एक क्रॉप हो जाता। 1 महीने का एक क्रॉप पर मंथ इनकम आता। Okay. जब तक उसको इनकम स्टार्ट होने के तक वो इनकम हमारा साइड इनकम है। ओके, ये अगर आपने इस साल अगर आपने लगाया तो इस साल आपको प्रोडक्शन मिल जाता है? मिल जाता है। हर एक ईयर मिलता है? हाँ, मिल जाता है। वो 6 महीने पहले जब मैं आप लोग स्टार्ट करता, 6 महीने पहले वो करना पड़ता। ओके, वो करने के बाद वो कीड़े लेके आके वो करना पड़ता, जब से 1 महीने का 1 महीने 1 महीने इनकम आता। ऐसा जब तक वो इनकम स्टार्ट होता जब तक वो इनकम हमारे को साइड इनकम। ओके ओके, तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगा सिर्फ इतना ही रहेगा। जैसे उनका मैंगो का प्रोडक्शन शायद इस साल शुरू हो जाएगा, तो शुरू होने के बाद वो टाइम पे मैं फिर से अगेन ये फील्ड को आएगा और एक नया वीडियो बनाएगा। तो अभी के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्ते। ओके।